दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी को फैंस 5 या 10 साल से नहीं बल्कि 50 से ज्यादा साल से प्यार करते हैं। 11 अक्टूबर को उनकी शादी के 57 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सायरा बानो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी का एक अनसीन वीडियो शेयर किया है, जिसे उन्होंने अपनी असली सिंड्रेला की कहानी बताया है। 11 अक्टूबर 1966 में दिलीप कुमार के साथ शादी के बंधन में बंधी सायरा बानो ने एक लंबे नोट के साथ शादी के अनमोल पलों की अनदेखी क्लिप शेयर की है। नोट की शुरुआत में सायरा बानो ने लिखा है, आज 11 अक्टूबर को हमारी शादी की सालगिरह है। इसके अलावा एक्ट्रेस ने सुपरस्टार के साथ शादी करना और उनके साथ लाइफ बिताना कैसा था, ये भी इस पोस्ट में बताया है। वीडियो की बात करें तो मेहंदी से लेकर दुल्हन के जोड़े में सजी सायरा बानो के चेहरे पर दिलीप कुमार से शादी की खुशी बयां हो रही है। वहीं सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि उनके फैंस ने भी एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर हार्ट इमोजी और कमेंट्स की बहार लगा दी है। गौरतलब है कि सायरा बानो और दिलीप कुमार की शानदार ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री हिट जोड़ियों में रही है। जिस समय दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई थी, उस समय सायरा बानो 22 की और दिलीप साहब 44 साल के थे। सब दिलीप कुमार की शादी की खबर सुनने को बेताब थे, मगर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझे दिलीप साहब 44 के होने के बाद ही घोड़ी चढ़ पाए थे। समय के साथ साथ इन दोनों का प्यार और भी गहरा होता चला गया। दोनों जब सबके सामने हाथों में हाथ थामे आते थे तो लोग इनकी जोड़ी को देखते ही रह जाते थे। छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लो मैं मर जाऊंगी। सायरा बानो उस वक्त महज 12 साल की थी जब से उन्हें दिलीप कुमार से प्यार हो गया था। दिलीप कुमार और सायरा बानो के परिवारों में नजदीकी रिश्ते थे। शूटिंग के सिलसिले में दिलीप कुमार जब उनके शहर आते थे तो सायरा बानो के घर पर ही रुककर खाना खाते थे और फिर शूट पर निकल जाते थे। इस दौरान जब सायरा ने अपने दिल की बात उनसे कह दी तो दिलीप साहब सक पका गए, क्योंकि सायरा उनसे उम्र में काफी छोटी थी। खैर, सायरा के प्यार की जीत हुई और कुछ वर्षों बाद दोनों के बीच रोमांस भी हो गया। फिर दिलीप कुमार ने सायरा के परिवार से शादी की बात करी और इस तरह सायरा बानो को उनके सपनों का राजकुमार मिल गया। सायरा बताती हैं कि दिलीप कुमार के प्यार में वो इस कदर डूबी थी कि उन्हें दिन में भी दिलीप कुमार के ही सपने आते थे।